अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है द फितना ऑफ द एंड ऑफ द टाइम्स, यानी कि जो एंड टाइम्स में जितने भी फितने होंगे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। एंड हम भी आजकल देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे फितने हैं। सबसे पहला फितना जो बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीमेंट में है, दैट इज़ द LGBTQ, और इसके अलावा भी बहुत सारे फितने हैं। तो धीरे धीरे हर फितने का जो है लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमाईन। अम्मा बाद, फऔज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम लोग सूरत अल कहफ़, जिसको हमने कल शुरू किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमने कल बात की थी फितनतुल मसीह दज्जाल के बारे में, और ये कि उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपके सामने बयान की थी कि वो एक आंख वाला होगा, बहुत पावरफुली बिल्ट होगा। बाकी हदीस में ये भी आता है कि वो उसकी औलाद नहीं होगी, ही विल नॉट हैव चिल्ड्रन। एंड उसके बारे में ये आता है कि वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। उसके वो कहाँ से आएगा, ये जो इलाका आपको शायद अगर स्क्रीन अभी नज़र आ रही हो तो आप देखेंगे कि सीरिया और इराक़ के बीच में जो इलाका है जिसको शाम और बाबिल, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम का इलाका जो है काफ़ी बड़ा इलाका है वो, और जो बाबिल यानी बेबीलोन का इलाका या इराक़ का इलाका जो है उसके बीच में से कहीं से वो नमूदार होगा जब पहली दफ़ा आएगा। वैसे वो कहाँ पे है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमीमतदारी वाली हदीस मैंने जो कल सुनाई थी आपको, उसको सुनने के बाद आपने कहा था कि वेरली ही इज़ इन द ईस्ट, ही इज़ इन द ईस्ट, ही इज़ इन द ईस्ट। तीन दफ़ा आपने ईस्ट की तरफ यानी मदीना से ईस्टवर्ड्स यानी पॉइंट किया और कहा यह उस जगह पर कहीं है, यानी जिस आईलैंड में वो था वो समवेयर टुवर्ड्स द ईस्ट था। अब मैं वैसे आपको बताऊं कि उस ईस्ट की तरफ ना बेशुमार आइलैंड्स हैं। मुझे मालदीव जाने का इतफाक हुआ, मालदीव में तकरीबन 200 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, और छोटे 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 आइलैंड्स हैं, और लिटरली ऐसा है कि उन्होंने कुछ आइलैंड्स के ऊपर बाकायदा रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह का मामला, अब हमें नहीं पता उसमें और कितने सारे आइलैंड्स हैं, कहाँ पर हो सकता है, वल्लाह आलम। लेकिन उस टाइम पर वो वहाँ था, लेकिन जब आएगा दुनिया के ऊपर नमूदार होगा तो वो ये शाम और बाबिल के बीच में से कोई इलाका है, वहाँ से ये सबसे पहले नमूदार होगा और फिर लोग इसका पीछा करेंगे, लोग इसके फॉलोअर्स बन जाएंगे। ये जो पांच फितने मैंने जिक्र किए थे, बाज़ उलेमा ने सात फितने भी मेंशन किए, लेकिन टू कीप इट सिंपल मैं पांच की बात कर रहा हूँ। कि वो फितने हैं जो कि मैंशनड हैं कि जो सूरह अल-कहफ के अंदर जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और जब दज्जाल आएगा तो ये पाँचों के पाँचों जो हैं इनकी आजमाइश जो है वो की जाएगी लोगों के साथ। सबसे पहले जो स्टोरी हम पढ़ते हैं सूरह अल-कहफ में वो है ही असहाबुल कहफ की स्टोरी। जो नौजवान थे उनकी तादाद क्या थी अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ताला ने हमें उस तरफ इनक्रेज भी नहीं किया कि हम ज़्यादा बहस मुबासे में पढ़ें कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, या पाँच थे और छठा उनका कुत्ता था, या सात थे और आठवां कुत्ता था। ये बहस नहीं है, बहस ये उन्होंने किया क्या। तो ये बेसिकली अपने ज़माने के जो हुक्मरान थे उनकी अताअत से इनकार कर दिया, वो जो आइडल वर्शिप में लगे हुए थे उसका इनकार कर दिया, और ये वांटेड क्रिमिनल्स हो गए। हालांकि ये बिल्कुल इलीट फैमिली से इनका ताल्लुक था, बहुत पढ़े लिखे लोग थे और इलीट फैमिली से थे, और इनके पीछे जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो हाथ धो के पड़ गई। ये वहाँ से फरार हुए अपनी जान बचाने के लिए। पहले तो ये अपनी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल डट के खड़े हो गए। वरबतना अला कुलूबिहिम इस्तामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाती वल अर्द। अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने उनको फर्म कर दिया, जब वो खड़े हो गए अपने उनके सामने बादशाहों के लीडरों के सामने, उन्होंने कहा कि हम किसी की अताअत नहीं करते सिवाय अल्लाह की ज़ात के, तुम जो लोग कर रहे हो ये तुम शदीद गुमराही में हो। और फिर ये लोग वांटेड हो गए, वहाँ से ये फरार हुए और गार में जाके पनाह ले ली। साथ में इनको रास्ते में कोई कुत्ता भी मिल गया, उसको भी साथ रख लिया जो कि बाहर उनके गार के बाहर पहरा देता रहा। तो वहाँ पर ये लोग जाके उन्होंने पनाह ली। 300 साल जो शमसी कैलेंडर के मुताबिक और 309 साल कमरी कैलेंडर के मुताबिक ये वहाँ पर सोते रहे। ये एक मिरेकल था जो अल्लाह ताला ने इनको दिया। इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने दुआ सुनी, इनको बचा लिया, गार में महफूज रखा। 309 साल ये सोते रहे और इनकी उम्र जो है वो उधर ही प्रिजर्व रही जहाँ पे थी। जब ये वहाँ से उठे तो ये खाना लेने के लिए जब शहर की तरफ गए तो वहाँ जाके लोगों को पता चला कि ये तो वो लोग हैं जो 300 साल पहले गायब हुए थे। और बाद उलेमा ने बयान किया कि शायद उन्होंने वहाँ पर करेंसी चलाई जो पुरानी थी, यानी आप सोचे ना 300 साल पुराना सिक्का को यहाँ आज चलाए थे सेंटोरस मॉल में जाके, तो क्या उसके साथ होगा। तो वो 300 साल पुराना करेंसी चला रहे हैं, लोगों ने कहा भाई ये क्या है, अब तो हुकूमतें बदल चुकी हैं, कौन सा सिक्का आ गया, बादशाह ये तो है ही नहीं, बादशाह जिसका चेहरा इस पर बना हुआ ये तो है ही नहीं,
ये तो करेंसी नहीं चल रही, तो वहाँ भी एक्सपोज हुए, फिर इनका इंतकाल हो गया तो लोगों ने कहा कि इनकी कब्रों के ऊपर हम लोग जो है कोई मस्जिद बना देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना यानी क्रिश्चियंस का दौर था, तो वो काइंड ऑफ अल्लाह ताला को मानते भी थे लेकिन थोड़ा बहुत बीच में शिर्क की आमेजिश भी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये बड़े नेक लोग थे, इनकी जो है ना कब्रों के ऊपर कोई मस्जिद बना दो जाके। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि असहाबे कहफ को अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि ये नौजवान थे, नौजवान थे जो ईमान लाए, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी, और इनके साथ एक कुत्ते का तज़किरा जो है वो जिक्र किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो कुत्ते का तज़किरा क्यों है, यानी जहाँ पे साहब कहा, क्योंकि अल्लाह ताला कोई भी चीज़ कुरान मजीद में एक्स्ट्रा बयान नहीं करते, तो कुत्ता था या नहीं था इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बाद उलेमा ने इसके बारे में लिखा कि अल्लाह ताला ये इशारा करना चाह रहे हैं कि नेक सोहबत में आके ना कुत्ते का भी मेंशन करना बन गया, कुत्ता पहले आम सा कुत्ता था, कोई जानता नहीं था, लेकिन चूंकि वो नेक सोहबत में आ गया ना तो कुत्ते का भी मेंशन कुरान मजीद में आ गया कि उनके साथ एक कुत्ता भी था। सो बताया जा रहा है कि जो नेक सोहबत है ना वो इंसान के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, कि वो अल्लाह ताला का कितना महबूब हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कीपिंग इन गुड कंपनी। और इस टेस्ट या ट्रायल का जो कि जो आया है सेंट्रल आया वो ये आया है आयत नंबर 28 जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीन यदउना रब्बहुम बिलगदावति वलअशी युरीदून वजहा वला तअदु ऐनाका अनहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वतबअ हवाहु वकाना अमरुहु फुरुता। यानी जहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो नेक लोग हैं, जो सुबह शाम अल्लाह ताला को याद करने वाले लोग हैं, उनकी कंपनी में आ जाओ, नेक सोबत इख्तियार कर लो, और उनके पीछे ना भागना जो हयात दुनिया की जीनतों के पीछे भाग रहे हैं जिनका मकसद कुछ और है लाइफ में, और उनकी इतबा और पैरवी ना करना जिनका दिल अल्लाह ताला के जिक्र से खाली है। यह आयत हमने कल भी पढ़ी थी लेकिन आज चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट में आई है इसलिए मैंने आपके सामने फिर से बयान कर दिए कि ये वो टेस्ट ऑफ फेथ है। तो आपके ईमान का टेस्ट जो है वो सबसे पहले दज्जाल के आते ही आपका ईमान टेस्ट होगा, क्योंकि वो आपको कुफर और शिर्क की तरफ दावत देगा कि अल्लाह को छोड़ो, मेरी इबादत में आ जाओ, मेरी इबादत करोगे मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, मैं तुम्हें माल दूंगा, तुम्हें खाना दूंगा, खुराक दूंगा। तो आज कोई अल्लाह के साथ ईमान में डगमगा रहा है, दज्जाल के फितने में वो बिल्कुल फंसेगा 100%। जिसके लिए आज पैसा दौलत सब कुछ है, दज्जाल आएगा तो वो अपना ईमान दीन एक सेकंड में बेच देगा। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि ये असहाबे कहफ जो थे ये अपने ईमान को बचाने के लिए गार में चले गए, यानी पनाह ली, साथ कंपनी में रहे और गार में चले गए। फिर जिक्र होता है उस शख्स का जो जिसके पास एक बहुत बड़ा बाग था, उसकी स्टोरी का मेंशन है। दो समझ लें कि आपस में दोस्त थे, एक ज़रा अल्लाह ताला से डरने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था, और एक जो था वो ज़रा अल्लाह ताला के दीन से दूर था। तो जिसके पास माल ज़्यादा था वो अल्लाह के दीन से दूर था, और उसके पास ज़बरदस्त सा बाग और बीच में नहरें बहती हैं और फल और फूल और हर तरह का उसको प्रॉस्पेरिटी मिली हुई है। तो वो ये कहता था कि जब वो बाग में जाता तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम कहा अपने यहाँ पर ना आते हुए कहा करो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला सारी ताकत अल्लाह के हाथ में। तो कहता था नहीं नहीं यार, मैं असल में ना मैं यानी मैं अब लूज तर्जुमा कर रहा हूँ और कंटेम्प्रेरी अंदाज में बात कर रहा हूँ, कि उसने कहा नहीं यार मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, बात यह मेरा अपना खून पसीने की कमाई है, मैंने सारा कुछ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आखिरत जो है वो आएगी, और अगर देखो आप भी गई तो अल्लाह ने मुझे चूँकि इतना नवाजा हुआ है तो उधर भी नवाज देगा। देखो ना मेरे पास आज अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे पास है ना, वरना ना होता। अगर पहली बात तो कि मैं मानता नहीं हूँ आखिरत आएगी, और अगर आप भी गई तो अगर अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में इतना नवाजा हुआ है कुछ तो देखा होगा ना मेरे अंदर, कुछ तो देखा होगा, तो वहाँ पे भी नवाज देगा। तो ये उसकी मैंटेलिटी थी, ये उसका माइंडसेट था। और ये आयात जो हैं वो कहता था कि वकान लहू समरु फ़काल साहिब ही वह युहावरु अन अक्सर मिंग का माल वाज़ो नफरा। वो कहता था देखो मैं तुम्हारे से माल में भी ज़्यादा हूँ और नफरी में भी ज़्यादा हूँ, यानी मेरे पास दो चीज़ें हैं, मेरे पास माल भी है और मेरे पास तादाद भी है, लोग भी मेरे पास ज़्यादा हैं, यानी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे पास मेरे बेटे हैं, मेरी फैमिली है, मैं तो बड़ा कबीला है मेरा और मैं उसका सरदार हूँ, तो मुझे किस चीज़ का डर है, माल दौलत ऐशो इशरत सब मेरे पास है। और फिर वो कहता था कि वमा अज़ुन्नु सा'अत क़ाइमा, और मुझे नहीं लगता क़यामत का दिन आएगा, वला इन रुदित्तु इला रब्बी लअजदन्ना खैरन मिन्हा मुनक़लबा, और अगर आप भी गया तो मुझे उससे कुछ बेहतर मिल जाएगा। तो ये उसकी मैंटेलिटी जो है यहाँ बयान की जा रही है। और फिर जब अल्लाह ताला ने उसका बाग तबाह कर दिया ना, सारा बाग तबाह हो गया ओवरनाइट, क्योंकि उसने माशाल्लाह नहीं कहा, उसने अल्लाह पे एट्रीब्यूट नहीं किया, यानी समझते हैं कि उसके बाग को नज़र लग गई, अपनी नज़र लग गई। अब ये एक और टॉपिक है, फिर कभी मैं इसके ऊपर नज़र बाद में बात करूँगा, बट अपनी नज़र लग गई, बाग उसका तबाह हो गया।
तो फिर वो कहता था, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट अल्फाज है, कहता था वयकूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, हाय मैं बर्बाद हो गया, काश मैंने अल्लाह ताला के साथ शिरक ना किया होता। हालांकि आप देखें इस पूरे वाक्य के अंदर ना कहीं आइडल वर्शिप का जिक्र नहीं है कि वो आइडल्स को पूजता था, कोई जिक्र नहीं। तो फिर ये क्यों कह रहा है कि काश मैंने शिरक ना किया होता, यानी उसने अपने आप को अल्लाह ताला के साथ खुदा बनाया हुआ था। अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं, क्या तुमने उसको देखा जिसने अपने नफ्स को अल्लाह ताला के साथ खुदा बनाया? ये कहता था ना, मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरा खून पसीना, मेरी कमाई, मैंने किया, मैं, यानी अल्लाह ने कुछ नहीं किया, तूने ही सब कुछ किया, तेरा दिमाग भी तूने खुद पैदा किया, आंखें नाक कान मुंह तूने खुद पैदा किए, ये जो तारे पास तेरे पास चीज़ें आ रही हैं तूने खुद पैदा किए, बारिश तू खुद बरसाता है आसमान से, धूप तू खुद देता है अपनी फसलों को, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसको ये लगता था कि ये मेरा अपना सब कुछ किया हुआ है। तो अब जब उसके ऊपर ये बात तबाह हो गया तो उसने क्या कहा, वो यकूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहद, काश मैंने अल्लाह के साथ शिरक ना किया होता। और फिर आगे अब इस पोर्शन का जो क्रक्स है वो ये आयात है, अल-मालु वल-बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल-बाक़ियातु स-सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, कि जो माल और दौलत और बच्चे वगैरह है ना, ये क्या है, ये ज़ीनतुल हयातिद दुनिया है, दुनिया की ज़ीनतें हैं, लेकिन जो असल चीज़ें जो नेक अमाल हैं ये वो चीज़ें हैं जो बाकी रहने वाली हैं और जिस पर इंसान उम्मीद भी कर सकता है। सो नेक अमाल करना और ऐसी चीज़ें छोड़ के जाना जो आपके लिए सदका जारिया बने, ऐसी चीज़ें चाहे वो आपने चैरिटी दी हो, चाहे आपने औलाद छोड़ी हो, चाहे आपने इल्म सिखाया हो, वो चीज़ें बाकी रहने वाली हैं, वरना तो हर चीज़ फना हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें रीप्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी दुनियादारी है, माल इकट्ठा करना है, या असल में कुछ और चीज़ है? तो कुछ ऐसे काम करके जाओ जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे कब्र में भी तुम्हें सवाब मिलता रहे। और आप यकीन करें हम लोग जो खुद भी जो काम करें ना यहाँ पे यूथ क्लब के अंदर, हम ये इसी नीयत से करते हैं कि हमारा कुछ भी कंटेंट जो हम आपसे शेयर करते हैं, हो सकता है आप लोग आगे जाकर शेयर करें, कुछ वीडियोस बनती हैं वो यूट्यूब पे जाती हैं, पता नहीं हमारे मरने के बाद भी कब तक वो चैनल बरकरार रहता है, और जब तक वो रहेगा तब तक अजर हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो इस मामले में हम बड़े लालची हैं, इस मामले में बड़े लालची हैं कि हमें ये लालच होता है कि हमारा काम जो है ना ऐसा हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, और जब तक ये वीडियोज़ कायम रहेंगी, जब तक ये कॉन्टेंट फैलता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंट में अजर आता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला किसी को ये शर्त दे दे। फिर जिक्र हुआ मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े का। इसमें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बाज़ उलमा ने कहा कि वो अल्लाह के नबी थे, बाज़ ने कहा कि वो फरिश्ते थे। शायद ये वाला गुमान ठीक होगा कि हो सकता है कि वो अल्लाह के फरिश्ते ही हों, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो अल्लाह ताला के बताए हुए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे। कभी कभार ऐसा होता है कि फरिश्ते भी इंसानी शक्ल में आ जाते हैं, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअली कोई इंसान के लिए करना जायज़ नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि आप खिज़र से सीखने जाएं, वो चले गए। अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया कि मूसा मैं कुछ ऐसे काम करूँगा जो तुम्हें शायद समझ में नहीं आए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ सब्र करना होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं सब्र करूँगा। अब वो एक किश्ती में बैठे, खिज़र अलैहिस्सलाम ने किश्ती का एक फट्टा तोड़ दिया, एक जब किनारे पे उतरे तो उन्होंने एक बच्चा था, मासूम सा बच्चा, 11-12 साल का होगा, शायद बालिग भी नहीं हुआ था, उसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। आगे फिर गए तो एक जगह पर देखा, एक बस्ती में गए, उनसे कहा भी हम मुसाफिर हैं कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, उन्होंने कहा निकलो बाहर यहाँ से, तुम लोग बदतमीज़ लोग थे ताई। बाहर गए, उन्हीं की दीवारें रीबिल्ड कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया पहली दफ़ा भी, दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी कि खिज़र आपने किश्ती वालों ने आपको लिफ्ट दिया, आपने उनका फट्टा ही तोड़ दिया, ये क्या किया आपने, फिर आपने मासूम बच्चा कत्ल कर दिया, ये कौन सा दीन है, ये क्या हो रहा है? और फिर तीसरी दफ़ा कहा कि जिन्होंने आपको बाहर निकाला उन्हीं की दीवार आप रिपेयर कर रहे हैं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने तीनों दफ़ा उनको वार्निंग दी कि मैंने आपको पहले कहा था आप समझ नहीं पाएंगे, और थर्ड दफ़ा जब उन्होंने कहा, उन्होंने कहा हाजा फिर आपको बही नहीं, वो बही नहीं, अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया मूसा, अब हम साथ नहीं रह सकते, अब आप अपने रास्ते पे जाएं, मैं अपने रास्ते पे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने भी अल्लाह के हुक्म से किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, अल्लाह का हुक्म था फट्टा तोड़ना, क्योंकि मूसा आपको क्या मालूम था कि जिस इलाके में वो किश्ती चल रही थी ये जालिम बादशाह का इलाका था, और वो हर सही सलामत किश्ती को अपने कब्जे में ले लेता था। तो ये बेचारे मजदूर जो थे इनकी मैंने किश्ती का एक फट्टा तोड़ा और इनका हमेशा का रोजगार बचा लिया, किश्ती डैमेज था लेकिन इट्स द लेसर ऑफ टू इवल्स, और ये शरीयत का एक उसूल है, समटाइम्स बोथ ऑप्शंस यू हैव आर रॉन्ग, सो यू हैव टू पिक द लेसर ऑफ टू इवल्स। अब आप मरने लगे अल्लाह माफ करे, आपके पास ऑप्शन है खिंजीर खाओ या मर जाओ, दोनों ही ऑप्शन बुरे हैं,
लेकिन लेसर ऑफ टू इविल क्या है? खिंजीर खा लो इतना के पेट भर जाए। इसी तरह के बेशुमार एग्जांपल दी जा सकती हैं। सो इस केस में उन्होंने कहा कि पट्टा तोड़ना ऑल्दो किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना ये शरीयत का तकाजा नहीं है, लेकिन इस केस में प्रॉपर्टी डैमेज की ताकि बड़े डैमेज से बच जाए। बच्चा कत्ल क्यों किया? मूसा तो मैं क्या मालूम था कि बच्चा बड़ा होकर कितना बड़ा टायरेंट ओप्रेसिव इंसान बनता, क्या पता ये एडोल्फ हिटलर से भी 10 हाथ आगे होता, क्या पता ये फिरौन से भी आगे होता। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको उठा लो, क्योंकि इसकी वजह से इसके जो मोमिनीन माँ बाप हैं वो बेचारे फितने में पड़ रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो रहा है इसके साथ। तो इसको उठाओ, अल्लाह ताला उनको एक और औलाद देगा, इसको निकालो यहाँ से। और तीसरा ये बताया, वो जो जगह, वो जो बिल्डिंग, वो जो एक दीवार रिपेयर की थी, उस दीवार के नीचे खजाना दफन था, और ये खजाना 2 यतीम बच्चों का है जो भी बहुत छोटे हैं, और यही बदतमीज़ लोग बस्ती वाले ये सारा खजाना हड़प कर जाते, क्योंकि दीवार गिरने वाली थी, गिरती सारा खजाना एक्सपोज होता, ये लेके भाग जाते, यतीमों का माल खा जाते। तो अल्लाह ने चाहा कि इस दीवार को बिल्ड करो, जब बच्चे बड़े होंगे इनको पता है यहाँ खजाना है, जब बड़े होंगे खुद ही दीवार गिरा लेंगे और खजाना लेकर निकल जाएंगे यहाँ से। तो पता क्या चला? पता ये चला कि ये उसूल है, उसूल ये है कि अल्लाह ताला के फैसलों में हमेशा कोई छुपी हुई हिकमत और दानिश जरूर होती है। लेट मी रिपीट दिस, अल्लाह ताला के हर फैसले में चाहे वो जितना ही आपको अजीब लगता हो, जितना ही आपको लगता हो कि ये कैसे हो सकता है, इसमें क्या हिकमत होगी, खुदा की कसम उसमें कोई ना कोई हिकमत और दानिश पोशीदा है, छुपी हुई है, हमें अभी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि देखिए मूसा अलैहि सलाम ने अरबों तो अल्लाह के दीन के दाई हैं, वो उनका काम तो दावत और तबलीग है, अमर बिल मारूफ और नहीं रे मुनकर है, तो वो हमारे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं या हम उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, आप ये समझ लें। तो मूसा अलैहि सलाम जहाँ पे बुराई देखेंगे वो रोकेंगे, वो अल्लाह के नबी हैं, वो चुप नहीं रह सकते। उन्होंने देखा आपने फट्टा तोड़ा, सवाल पूछा भाई क्यों तोड़ा आपने, बच्चा आपने कत्ल कर दिया, कैसे जस्टिफाई करेंगे बच्चा कत्ल करना, कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये तो मुनकर, क्लियर मुनकर है, और दीवार आप रिपेयर कर रहे हैं, मुआवजा कोई नहीं ले रहा, ये क्या बात है। तो वो तो अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए बाज़ उलमा ने कहा कि इससे पता ये चला कि खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते थे, स्पेशल ड्यूटी पे थे, जिस तरह फरिश्ते होते हैं ना, रूह फूकने भी आते हैं, रूह निकालने भी आते हैं, अल्लाह के हुक्म से ही करते हैं, खुद से कुछ नहीं करते वो। तो अल्लाह ताला उनको भी नॉलेज दे रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी नॉलेज है, इनके पास भी है, लेकिन नॉलेज डिफरेंट है, दोनों का सोर्स एक ही है, दोनों अल्लाह की तरफ से आ रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो ना बयान करते हुए कहा कि काश अगर मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा और सब्र कर लेते तो आज हमें मजीद हिकमतें पता चलती कि अल्लाह ताला के फैसले क्यों होते हैं। सो इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों पर ट्रस्ट करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि लव ना कहा करो, लव अरबी में कहते हैं इफ़ ओनली, कि हाय काश के मैंने यूँ कर दिया होता तो यूँ ना होता और यूँ कर देता तो यूँ ना, बल्कि कहा करो कदर अल्लाह व मा शाफ़अल, कि जो हुआ वो अल्लाह ताला की यानी किस्मत का था और अल्लाह ताला के बेहतर फैसले के मुताबिक हुआ, कदर अल्लाह, ये अल्लाह का फैसला था तकदीर में। और याद रखिए कि एक मुसलमान जो है ना वो हमेशा रिलैक्स हालत में इसलिए होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए वो कहता है मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि अल्लाह का हर फैसला मेरे फैसले से बेहतर होता है, मुझे शायद एक पिक्सल नज़र आ रहा होता है पूरी पिक्चर के अंदर, जिस तरह अभी आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं उस पर एक पिक्सल नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला को फुल पिक्चर नज़र आ रही होती है, और हम उस पिक्सल की बेसिस पे ना फैसला करते हैं कि ये सही है गलत है। जैसे एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा है 5 साल का, उसका बाप उसको डेंटिस्ट के पास ले जाता है, अब डेंटिस्ट जो है वो उसके मुंह के अंदर जो है वो टीका भी लगाता है, मुंह के अंदर ड्रिल भी कर रहा है और दांत उसका एक्सट्रैक्ट करता है, ऑल दिस टाइम उसका बाप उसके सरहाने खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। बच्चे को लग रहा है कि मेरे बाप से ज़्यादा जालिम इंसान आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, कि मेरे मुँह में इंजेक्शन लग रहा है, इतना बड़ा इंजेक्शन लग रहा है, मेरे मुँह के अंदर ड्रिल हो रहा है, मेरे मुँह में से दांत निकाला जा रहा है और मेरा बाप मुस्कुरा रहा है, ये किस किस्म का बाप है। लेकिन अभी बच्चे की अकल छोटी है ना, बाप की अकल ज़्यादा है, जब बच्चा बड़ा होता है उसको समझ में आता है कि वो जो 15 मिनट की अजियत और तकलीफ और शदीद तकलीफ से मैं गुजरा, शदीद तकलीफ थी, लेकिन उस 15 मिनट की तकलीफ ने मुझे सालों की तकलीफ से बचा लिया, तो मेरा बाप जो है वो वाकई में मेरे से ज़्यादा ज़हीन आदमी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें अल्लाह ताला पर तवक्कल करना चाहिए कि मैं अभी तकलीफ में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ही इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, और जब निकालेगा तो इसमें मुझे हिकमत भी समझ में आ जाएगी कि आखिर मुझे क्यों उस चीज़ से रोका गया जो मैं चाहता था, एक मेरी चाहत थी और एक अल्लाह की चाहत थी, तो फिर अल्लाह की चाहत जब हुई तो उसकी हिकमतें अब मुझे हो सकता है साल बाद समझ में आए,
पाँच साल बाद समझ में आए, दस साल बाद समझ में आए, लेकिन यकीन करें अगर आप अपने हालात के बारे में गौर करेंगे ना तो समझ आपको आएगी एकदम कि अल्लाह ने आखिर ऐसा क्यों किया। अभी हमारा टाइम नहीं है कि हमें समझ आ गए। मेरे अपने साथ मुझे कहा करते थे, बेटा कई जिंदगी की चीज़ें ऐसी कि तू जो तू 40 साल के बाद ही समझेगा, अभी मैं तुझे जितना भी पढ़ा लूँ ना तेरी समझ में नहीं आएगा। और ऐसा है, तमाम अंबिया को ना 40 ईयर्स के बाद नबूवत मिली है, 40 ईयर्स पे। तो इसके पीछे भी हिकमत है कि 40 पे क्यों, 25 पे क्यों नहीं, 20 पे क्यों नहीं, 18 पे क्यों नहीं, क्योंकि देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी जिस पे इंसान को पहुंचना पड़ता है। और कुछ चीज़ें हैं वाकई में, इवन दीन की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको 15 16 17 साल में नहीं समझ में आ सकती। हमारे माँ बाप हमें अक्सर कहते थे कि बेटा अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, जब खुद बाप बनोगे ना तब पूछेंगे तुमसे। ये बात सच है कि नहीं? जब इंसान खुद बाप बनता ना तब समझ में आती है कि बाप क्या होता है, और माँ को समझ आती है कि माँ क्या होती है। उस टाइम पे जितना मर्जी आपको दर्स व तदरीस दिया जाए और माँ के फजाइल और बाप के फजाइल और माँ के पांव तले जन्नत है और माँ की दुआ जन्नत की आवाज़ जितना मर्जी आपको सुना दे, उस टाइम पे कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही होती सही तरीके से। पल्ले तब पड़ती है जब अपने ऊपर खुद चीज़ आती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो टाइम के साथ ही समझ में आती हैं। तो इसलिए ये तो हम कर सकते हैं कि अल्लाह पे भरोसा कर लें कि चलो मेरी अकल थोड़ी कम है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अभी समझ में नहीं आ रही, कल आ जाए, परसों आ जाए। लेकिन जान लें कि अल्लाह ताला हमें हमारी माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला हमारे लिए बुरा नहीं चाहता। तो ये मूसा और खिज़र की कहानी में यही बात मैंशन है कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करना सीखो, अल्लाह ताला के फैसलों पर ट्रस्ट करना सीखो, और जान लो कि अल्लाह ताला के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत और दानिश पोशीदा है। फिर इसमें आखिर में एक स्टोरी मैंशन है ज़ुल्करनैन की, जो एक बहुत नेक और साले किस्म के रूलर थे। और ज़ुल्करनैन कहते हैं दो कर्नों वाला, यानी दो हॉर्न्स वाला। अच्छा, ये बहुत नेक और साले थे और ये एक बड़े अमेजिंग ट्रैवलर भी थे। मशरक़ और मगरब इन्होंने सफ़र कर डाला, और जहाँ पे जाते तो अगर देखते कि लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ज़्यादा थोड़ी प्रिमिटिव किस्म के हैं तो उनको छोड़ देते उनके हाल में। कहीं पे देखते इनजस्टिस हो रहा है तो वहाँ पे जाके जस्टिस लेके आते, चाहे वो अमीर के ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो। तो ये नहीं देखते थे कि जी अगर अमीर जो है वो इनजस्टिस कर रहा है तो उसको माफ़ कर दिया, और गरीब इनजस्टिस कर रहा है तो पकड़ लिया। वो कहते थे हम जहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ताकत और कुव्वत थी, ही हैड अ माइटी आर्मी, बड़ी ज़बरदस्त फौज थी इनके पास। तो जहाँ जाते कहते कि हम अदल व इंसाफ करेंगे, ट्रैवल करते थे। अदर फरमाते हैं अतबा सबबा सुम्मा अतबा सबबा, यानी वो ट्रैवल करते रहे। इसमें एक बात बात चलती है कि जो अल्लाह का बंदा होता है ना, जो एक रूलर होता है जो जस्टिस के साथ रूल करता है, वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकता। यानी बड़ा आसान था कि ज़ुल्करनैन जो है अपना बड़ा सा पैलेस बना लेते और कहते बस मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और आप अयाशियाँ करो, पैसा बहुत है, माल है, दौलत है, ये है वो है, बस अयाशियाँ करो। लेकिन आप देखते हैं सूरतुल कहफ़ के अंदर कि वो मुस्तकिल तौर पर ट्रैवल करते रहे, एक जगह जाते दूसरी जगह, अल्लाह ताला का दीन लेके जाते, जस्टिस लेके जाते, लोगों के हालात बेहतर करने का जज्बा उनके दिल में था कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है तो मैं इससे लोगों के काम आऊँगा। और फिर चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग ज़ुबान ही नहीं समझते थे उनकी। अब सोचें कि ज़ुल्करनैन का लश्कर कितना बड़ा है और हर तरह के हर रंग और नस्ल के लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन एक ऐसे इलाके में गए, इतना प्रिमिटिव और इतना सीक्रेटिव सा इलाका था वो, कि जहाँ पे वो लोग उनकी ज़ुबान ही नहीं समझते थे, पता नहीं इशारों में बात की उनके साथ। अच्छा, ये बाज़ उलमा के नज़दीक जो है ना ज़ुल्करनैन जो है वो, कुछ ने कहा कि जी अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट है, ये बात मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट वॉज नॉट अ बिलीवर इन गॉड एंड बड़ा उसका डिफरेंट लाइफस्टाइल था, तो वो ज़ुल्करनैन की प्रोफाइल में नहीं आता। बास के नज़दीक जो है वो साइरस द सेकेंड ऑफ पर्शिया था, एंड दिस कुड बी ट्रू वल्लाह वाला, क्योंकि साइरस द सेकेंड जो था वो एक नेक हुक्मरान था जहाँ तक हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, और उसका जो एक लेटेस्ट जो मुजस्मा डिस्कवर हुआ है उसमें उसके ऊपर जो हेलमेट उसने पहना है उसके ऊपर दो सींग हैं, बड़े प्रोमिनेंट दो सींग हैं, और उसने वाकई मशरक से मगरब ट्रैवल भी किया और जस्टिस भी किया, और बड़ा एक नोबल एम्परर था। बहरहाल ये कुछ उलमा की राय है, ये कुरान हदीस नहीं है, हो सकता है वही ज़ुल्करनैन हो सकता है कोई और हो, वल्लाहु आलम। तो मैं इसी पे बात छोड़ता हूँ। तो ज़ुल्करनैन जो है जब उस इलाके में गया जहाँ पे लोग कोई ज़ुबान नहीं समझते थे, तो उन्होंने कहा कि काला या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ्सिदून फिल अर्ध, कि यकीनन याजूज माजूज जो हैं उन्होंने ज़मीन पर फसाद कर दिया, और इन लोगों ने बताया कि जी इनकी बहुत बड़ी तादाद है और सब। तो ज़ुल्करनैन जिनके पास एक बहुत बड़ी फ़ौज है, एक बहुत बड़ी आर्मी भी है, उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि जी हम इनको इनसे लड़ लेते हैं और हम इनको मार भगाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं।
इन्होंने कहा वाकई में इनके साथ हमें बैरियर बनाना पड़ेगा, यानी कि इनके जो दो पहाड़ों के बीच में जो गैप है जिसके पीछे जुलकर ये जो है इनकी पूरी फौज है याजूज माजूज की, उसके बीच में एक बैरियर बनाना पड़ेगा। तो लोहा और कॉपर लेके आओ और मुझे अफराद दो, मैं तुम्हारे और इनके बीच में बैरियर बनाता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर बिल्ड किया गया और फिर ये कहा गया कि जब अल्लाह ताला का फैसला होगा ये बैरियर टूट जाएगा। याजूज माजूज के बारे में बहुत सारी मिथ्स और अफवाहें मशहूर हैं कि कुछ ने कहा वो बहुत बड़े बड़े द्यो हैं, कुछ ने कहा वो बहुत छोटे बोने हैं, किसी ने कहा बड़े लंबे लंबे दांत हैं, किसी ने कहा बड़े लंबे लंबे कान हैं। ये सारी बातें जो हैं ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। जो बात साबित है वो ये है कि याजूज माजूज इब्ने आदम में से हैं और बाज़ उलमा के नज़दीक और इब्ने कसीर के नज़दीक भी ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की आगे से एक नस्ल है। वल्लाहु आलम, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और ये तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जो है वो इब्ने आदम में से आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा कि 999 जो है ना उनको जहन्नम की तरफ रवाना कर दो और एक को जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 1000 में से 999 जो है वो जहन्नम में जा रहे हैं, एक जन्नत में जा रहे हैं। अब ये बड़ी परेशान कन बात है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 999 जहन्नम में और एक जन्नत में, तो हमारा क्या चांस बनता है? तो सहाबा भी बड़े परेशान हुए ये बात सुन, या रसूलल्लाह फिर ये तो कोई ऑड्स ही नहीं है, या तो ना कहते हाफ जन्नत में हाफ जन्नत में, समझ आता है ये 999 कैसे जाए? तो आपने फरमाया ये 999 जो है ये याजूज माजूज में से और ये जो एक जन्नत में जा रहा है ये मेरा उम्मती है। अब आप खुद सोच लें कि याजूज माजूज की तादाद कितनी है। तो जब ये आएंगे तो ये सब कुछ हड़प कर जाएंगे, सब कुछ चट कर जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में एक दफ़ा ख्वाब से उठे तो एकदम से कहते हैं वैलुल अरब, बर्बाद हो गए अरब के, आज याजूज माजूज ने उस दीवार के अंदर ना इतना सा सुराख कर दिया। क्योंकि वो याजूज माजूज रोज़ जो है ना सुराख करने की कोशिश करते थे लेकिन वो दीवार दोबारा बिल्ड हो जाती थी, फिर सुराख करते फिर वो बिल्ड हो जाती। तो उनका जो लीडर था, हदीस में आता है कि उसने फिर एक दिन कह दिया कि इंशाल्लाह कल जब हम आएंगे ना तो ये दीवार को दोबारा तोड़ेंगे। पहले उसने कभी इंशाल्लाह नहीं कहा था, तो जब कहा तो अगले दिन आया तो सुराख उधर ही कायम था, फिर मज़ीद उसको तोड़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि आज सुराख हो गया और अब करते करते एक दिन आएगा कि वो बैरियर टूट जाएगा। और ये कब होगा? ये अलमसीह दज्जाल के आने के बाद, जब यानी दज्जाल का फितना नमूदार होगा, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को मार देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अभी दज्जाल को मारा ही होगा कि याजूज माजूज रिलीज़ हो जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म दे देंगे कि आप जो है वो तूर के पहाड़ पे जाके मोमिनीन जितने भी हैं उनको लेके तूर के पहाड़ पे चले जाएं और ये जो याजूज माजूज हैं ये ज़मीन में फैल जाएंगे और ये सब कुछ हड़प कर जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे, इंसान चरिंद परिंद हैवान जो चीज़ इनके सामने आएगी, हत्ता के दरियाओं का पानी भी पी जाएंगे। और ये जो लेक टाइबेरियस है उसके पास से जब गुजरेंगे तो, यानी एक टाइम पर पानी था और जब गुजरेंगे तो लगता होगा यहाँ कभी पानी था ही नहीं, इस तरह उसको चाट जाएंगे। तो ज़मीन के अंदर होंगे, अब तूर के पहाड़ के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो थोड़े बहुत मुसलमान हैं वो वहाँ पे होंगे। और फिर क्या होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम दुआएं करेंगे अपने लोगों के साथ मिलके, दुआएं करेंगे अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दन में एक कीड़ा ऐसा पैदा करेगा जो इनको ऐसे हलाक कर देगा जैसे पूरा याजूज माजूज एक जिस्म था और सारी मर गए, यानी एक जिस्म की तरह सब याजूज माजूज बस कलैप्स करके मर जाएंगे और इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो ज़मीन पे इस तरह फैली होंगी कि बड़े बड़े परिंदे जो है ना वो आके बैठना चाहेंगे, उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही होगी, इतनी डेड बॉडीज़ इनकी होंगी। और फिर ये जो है ना परिंदे इनके जिस्मों को उठा उठा के कहीं जाकर समुद्रों दरियाओं में फेंकना शुरू कर देंगे, इनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कुछ खा लेंगे कुछ को फेंक देंगे। और फिर एक बारिश होगी और ज़मीन को साफ़ किया जाएगा और फिर जब ये खामोशी का आलम होगा तब ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ फॉलोअर्स जो हैं वो नीचे उतरेंगे। और उससे पहले जिक्र होता है कि एक फॉलोअर जाके देखने जाएगा और ये इंतहाई एक बहादुर शख्स होगा जो कि रिस्क में होगा, यानी उसको नहीं पता होगा कि याजूज माजूज अभी जिंदा है नहीं है, हमारे साथ कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं कि चुप करके जानबूझ के कि हम नीचे उतरे तो हमें भी खा जाए, यानी ये हमारे सारे यानी डाउट्स होंगे। लेकिन वो कहेगा कि मैं जाता हूँ, अगर तो मैं वापस ना आया इसका मतलब है वो जिंदा है और मुझे मार दिया उन्होंने, अगर मैं वापस आ गया इसका मतलब है कि मैं बच जाऊँ। क्योंकि काफ़ी ऐसा खामोशी होगी, फिर वो निकलेगा और वो वापस आके बताएगा कि जी उनकी तो लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, पूरी ज़मीन भरी हुई उनकी लाशों के साथ। तो फिर उसके बाद ये वाला मामला होता है और फिर उसके बाद आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है हज और उमरा दोबारा इस्टेब्लिश होगा, ईसा अलैहिस्सलाम हज करने जाएंगे अपने साथियों के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर एक अच्छा दौर होगा, एक खूबसूरत दौर होगा। ये सारी बातें जो हैं अल्लाह ताला ने सूरह अल-कहफ के अंदर इसकी तरफ इशारा किया और वो ये है
कि ये है वक्त अल्लाह ताला की तरफ लौट के आने का। ये जितने भी फितने हैं जो दज्जाल के वक्त पे आएंगे, उनमें से सारे कुछ ना कुछ आज हम सबको देखने को मिल रहे हैं। नॉलेज का फितना भी है, माल का फितना भी है, पावर एंड अथॉरिटी का फितना भी है, और दीगर यानी फॉलोअर्स का फितना, फेम का फितना, ये सारी चीज़ें हैं। असल बात यह है कि हमारा तवक्कल और ट्रस्ट अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, और हमें आज अपनी हिफाजत करनी है ईमान पर रहकर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम पर चल के। अगर आज आपने अपने ईमान को बचा लिया, आज आपने अपने ईमान को बचा लिया, तो कल इंशाल्लाह बाकी फितनों को फेस करने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन जो आज इस दौर में, जो कि मैं समझता हूँ अभी तो पीस टाइम चल रहे हैं, इसमें जो अपना ईमान नहीं बचा सका, वो दज्जाल को कैसे मुकाबला करेगा, उसका कैसे फेस करेगा? तो इसलिए ये जो आज हम लोगों ने छोटे छोटे गार बनाए हुए ना आप लोगों के लिए, ये भी समझे एक छोटा सा गार है जिसमें आप लोग रोज़ आते हैं, हम सारे इकट्ठे होते हैं, हम यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, हम यहाँ पे दर्स सुनते हैं, हम फैमिली सारी यहाँ पे आती हैं, ये हमारा एक छोटा सा गार है। जैसे असाबुल कहफ जो थे वो एक गार में जाते थे, मिल के रहते थे, ये हमारा एक छोटा सा गार है। और हमें इस तरह की पॉकेट्स क्रिएट करनी है अपने लिए, ऐसे जोन्स बनाने हैं, ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसी सेफ स्पेसेस क्रिएट करनी है जहाँ पे हम आके अपने रब को याद करें, अपने दीन की बात करें, और अपने आप को स्ट्रेंथन करें, अपने ईमान को स्ट्रेंथन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको फितनतुल मसीह दज्जाल से बचा के रखे, अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए, हम सबको हमारे घर वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें दुनिया और आखिरत दोनों की खैर नसीब फरमाए। सबसे पहले तो इस वीडियो को देख के मेरा माइंड बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो गया है, बहुत ज़्यादा यू नो मेरा माइंड फ्रेश हो गया है, क्योंकि इस वीडियो में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और इतनी ज़्यादा एनर्जी थी इस पूरे लेक्चर में। एंड जिन चीज़ों का हमें नहीं पता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से इसमें बताई हैं कि जैसे हम करीब जा रहे हैं यू नो एंड टाइम्स के, वैसे कैसे फितना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहला फितना इसमें आपका यू नो तवक्कुल का आता है कि जैसे हम दज्जाल के जो दज्जाल आने का टाइम आ रहा है, वैसे हम कैसे अल्लाह से हमारा तवक्कुल बिल्कुल हटता जा रहा है। इवन तवक्कुल ही नहीं, हमारी दूरी बढ़ती जा रही है अल्लाह सुभान अल्लाह से। एंड सो जो सूरह कहफ की ये आयत है, अल मालु वल बनून ज़ीनत अल हयात दुनिया, असल में जो माल और औलाद है अल्लाह सुभान व तआला ने इस प्रेजेंट लाइफ के लिए हमारे लिए यू नो एक ऑर्नमेंट की तरह हमें दिया है, एक हमारी जीनत है, दूसरा हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला की नज़र में सबसे बेहतर क्या है, अच्छे अमल, वो हमारे सालेहात, वो अमल जिसकी बंदा जो है अपने रब से खूब और अच्छी उम्मीद रखता है उसकी सब्र और अजर की। सो सूरह कैफ में भी इस तरह पांच फितनों का जिक्र किया गया है, जैसे कि पहला जो है आपका फेथ का फितना। फेथ का फितना एक तो ये है कि जो अल्लाह से कनेक्शन बनाना चाहिए वो बिल्ड नहीं हो रहा है, दूसरा फेथ का फितना यहाँ से भी आता है, अगर आप किसी बुरी सोबत में रहते हैं तो उससे भी फेथ का बहुत ज़्यादा हमारा यू नो टकमनीची हो जाता है। तो इसलिए अच्छी कंपनी पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे फेथ के लिए, अच्छे लोगों में, स्पेशली उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा यू नो अमल में ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हों और यू नो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे हों, तो फेथ का भी बहुत ज़्यादा फितना है। एंड दूसरी चीज़ है यहाँ पे माल का फितना यानी वेल्थ। सो वो है ना, जैसे डॉक्टर स्टार की एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा कि जेब में जब पैसे ना हो तो तब अल्लाह पे ईमान है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अल्लाह पे ईमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि बंदा जिस चीज़ की मेहनत करता है उसको वही हासिल होता है, तो मेहनत भी ज़रूरी है। एंड जो तीसरी चीज़ है वो यहाँ पे है फॉलोअर्स का फितना, पावर का फितना। जैसे कि इस सूरह कहफ में, इस वाक्य में हमने सुना कि दो दोस्त थे, दोनों को अलग अलग अल्लाह सुभान व तआला ने बाग अता किए थे, गार्डन अता किए थे जिनके नीचे नहरें बह रही थी। जैसे कि उसमें एक दोस्त था वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रश करता था, तो जिस भी मकाम पर है, जो भी उसको अल्लाह सुभान व तआला ने अथॉरिटी दी है, पावर दी है, वो सिर्फ उसी की वजह से है। यहाँ पे ये है कि उसने अपनी पावर में बहुत ज़्यादा रश्क किया, गुरूर किया, इवन माशाल्लाह कहने से भी उसने इनकार कर दिया, और उसने सोचा, उसने आखिरत का इनकार कर दिया, उसने सोचा कि अल्लाह सुबहान तआला ने उसको यहाँ दिया तो आखिरत में भी अता कर देगा, तो अल्लाह सुबहान तआला ने उसे क्या देखे, कैसा मंजर दिखाया। तो पावर का भी बहुत ज़्यादा फितना है। सो लास्ट है फितना ऑफ नॉलेज। सो नॉलेज के फितने को लेके यहाँ पे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा रुश्पे है टेक्नोलॉजी में,
AI बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है एंड कहा जाता है कि जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई होगी तो ये जो होगा ये स्टार्टिंग होगी दज्जाल के अराइवल की. वेल अल्लाह नोज बेटर, बट हाँ वी आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लॉट ऑफ फितनास नाउडेज. सो हम बहुत ही करीब हैं एंड टाइम्स के, कितने करीब हैं ये तो अल्लाह सुबहाना ताला ही बेहतर जानते हैं. लेकिन ये है कि अल्लाह सुबहाना ताला पर तवक्कुल रखने वाला कभी भी हार नहीं मानता. जैसे कि आता है कि जो अल्लाह ताला की रस्सी थामे रखता है तो वो अल्लाह ताला उसे कभी गिनने नहीं देते. जो अल्लाह ताला की रस्सी का मतलब यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि एक ही आयत के बहुत सारे ट्रांसलेशंस होते हैं, तो एक ये भी है कि अल्लाह जो अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें कुरान दी है, जो कुरान में हमें इल्म दिया है, हमें तदब्बुर और तफक्कुर करने के लिए कहा गया है, उस रस्सी को पकड़े रहना तो ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी. सो कोई अगर थोड़ा भी इम्प्रूव कर रहा है अपना आपको तो उसको बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए. एंड हर किसी के ईमान का लेवल अलग होता है, ईमान के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं एंड हर किसी की अलग 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 यू नो हिम्मत होती है. तो यस, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को फितना दज्जाल से महफूज रखें. एंड उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा. सो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मैं आपको मिलती रहूँगी. सो अल्लाह हाफिज़. मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल.